मैं बहुत रिस्क लिया हूँ, रिक्स ऐसा ऐसा लिए हैं कि आप लोग को हम कहते हैं कि किसी तरह कोशिश कीजिए कि हम खड़ा हो जाए, किसी भी तरह कैसे भी स्क्रू निकल जाएगा, करवट हो जाता है स्क्रू निकल जाएगा, फिर भी हमको जो है सो हम जब जलन चलते रहते हैं तो ठीक है, रुक गए तो वहां पर फिर थोड़ा देर के बाद कांपने लगता है। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे हैं, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे से एक्सरसाइज कर रहे होंगे। पैर सूख गया है इंजरी होने के बाद, ऑपरेशन के बाद पैर हमारा सूख गया है, तो पैर जो सूख गया है, मांस सूख करके पतला हो गया है, तो वो फिर से मतलब मसल जो है सो सही जगह सही हो सकता है जैसा पहले था उस टाइप से हो सकता है, या पैर सूखा ही रह जाएगा ऐसा सस्पिशन है पेशेंट को हमसे पूछे हैं। आपको हम बता दें कि हमसे फ़ोन पर बात हुई थी, तो हमसे इसके बारे में जिक्र कर रहे थे और बोल रहे थे कि 1.5 साल हो गया है कि मेरा भी एक पैर सूख गया था, जो मेरा बायां पैर है वो सूख गया था, और जांघ के ऊपर का जो हमारा मसल होता है पोन पर, वो मसल भी हमारा सूख गया था, एक तरफ ठीक था और एक तरफ सूख गया था। लेकिन अभी हमको 6 साल बीत रहा है, तो लेकिन अभी हमारा ठीक है, हमारा मसल का जो पोजीशन था उस पोजीशन पर आ गया है। देखिएगा तो अब आपको पता ही नहीं चलेगा कि पैर पतला और मोटा है दोनों में, अब बहुत हद तक आ गया है। पहले भारी रहता था बहुत ज़्यादा, जब पतला था उसमें बहुत ज़्यादा भारी रहता था, यहाँ तक कि लैट्रिन का रास्ता है वो भी जैसा लगता था कि हमेशा उसमें दर्द रहता है, भारीपन रहता है, बहुत भारी, तो भारी हालांकि अभी भी हल्का हल्का भारी रहता है, जब हम चलते हैं तो भारीपन अभी भी हल्का हल्का है, और चिकोटी काटने पर सेंसेशन नहीं है, भारीपन हल्का हल्का है, लेकिन फिर भी बहुत हद तक ठीक है। और दोस्तों खाना खाने के बारे में पूछ रहे हैं कि भाई कौन क्या क्या खाना चाहिए जो जल्दी से जल्द रिकवरी हो, ताकत आए पैर में मांस में। तो भैया ये आप जो ये बात किए हैं खाने का, तो भाई देखिए खाना खाने से अगर विटामिन प्रोटीन ज़्यादा ताकतवर चीज़ खाने से यदि हो जाता ठीक, तो बहुत सारे पेशेंट हैं और एक से एक रुपया वाले हैं, पैसे वाले हैं, गरीब भी हैं और पैसे वाले भी हैं, तो भैया वो खाना खा करके ही ठीक हो जाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं था एक्सरसाइज करने का और इतना सोचने का और इतना परेशान होने का, खाना खा करके वो काहे नहीं ठीक हो गए। दोस्तों आप लोगों के सामने मैं मिसाल हूँ, ये मैं साधारण परिवार से हूँ, बिलोंग करता हूँ, मैं साधारण आदमी हूँ, मैं शादीशुदा हूँ, मेरे घर में जो खाना बनता है वही खाना हम भी खाते हैं, ऐसा नहीं कि मेरे लिए कुछ अलग से बनेगा, साधारण में रोटी सब्जी चावल दाल जो घर में बनता है सब दिन वही खाना हम खाते हैं, मांस और मछली मैं नहीं खाता हूँ, अंडा कभी कभी खा लेता हूँ, हमको तो कहीं कमजोरी नहीं है और हमारा रिकवरी बहुत अच्छा हुआ है, वो बहुत अच्छा हुआ है और शरीर भी स्वस्थ है, कोई ज़्यादा कहीं कोई विशेष खराबी नहीं है, तो खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, जो आपका जो क्षमता है जो खा सकते हैं वही खाइए, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको बादाम खाना है और अखरोट खाएंगे तो जल्दी नस ग्रो करेगा, ऐसा नहीं है। एक्सरसाइज कीजिए, मेहनत कीजिए कि मांस में जब तक ताकत नहीं आएगा तब तक नस भी ग्रो नहीं करेगा, इसीलिए एक्सरसाइज करने से मांसपेशी मजबूत होता है और मांसपेशी मजबूत होगा तो भी तो उसके बाद धीरे धीरे नस भी ग्रोथ करेगा और सेंसेशन भी आएगा, तो खाने के ऊपर इतना दिमाग नहीं लगाइए। रिकवरी जो आया है वो ऐसा नहीं है कि बिस्तर पर सोए सोए और बैठे बैठे हमको आ गया है, इसके पीछे बहुत मेहनत किए हैं भाई और रिस्क लिए हैं, मैं बहुत रिस्क लिया हूँ, रिक्स ऐसा ऐसा लिए हैं कि आप लोग को हम कहते हैं कि किसी तरह कोशिश कीजिए कि हम खड़ा हो जाए, किसी भी तरह कैसे भी। जब हमारा ऑपरेशन हुआ था दोस्तों, तो ऑपरेशन के बाद हम मतलब करवट ले लेते थे, सीधा लिटाया गया था तो हम करवट ले लेते थे, खिड़की का पल्लू पकड़ करके, चौकी या कोर पकड़ करके हम किसी तरह करवट हो जाते थे, तो उस समय भी हमको हिदायत मिलता था, लोग परेशान रहते थे डॉक्टर से लेकर परिजन तक, स्क्रू निकल जाएगा, करवट हो जाता है स्क्रू निकल जाएगा, फिर भी हमको जो है सो हम जब जलन होने लगता था तो हम करवट ले लेते थे, दर्द होने लगता था तो हम करवट ले लेते थे, लेकिन स्क्रू नहीं निकला। और उसके बाद उठ कर बैठने का, दिन में एक बार दो बार लोग हमको उठा करके बैठा देते थे, लेकिन जब रात में सब सो जाता था तो मैं खुद ही उठ करके बैठने का प्रयास करता था, और ये प्रयास हमारा सफल हो गया उठ करके बैठने का बिस्तर पर। उसके बाद खड़ा होने का अभ्यास, जब रात में सब सो जाते थे तब हम एक पाया है, मैं जहाँ पर सोता हूँ वहाँ पर खिड़की है,
और पाया है, तो खिड़की का एक पल्ला पकड़ करके और पाया पकड़ करके हम किसी तरह खड़ा होने का प्रयास करते थे। खड़ा नहीं हो पाते थे लेकिन फिर भी प्रयास करते रहते थे, और इसी तरह प्रयास करते करते हम जो है खड़ा हो गए। खड़ा हो गए उसके बाद एक और रिक्स खड़ा हो गए। कुछ लगभग 6 महीना के बाद घर से बाहर जा कर के हम टहलने लगे, रोड पर घूमने लगे। तो इसी दौरान बच्चा है वो साइकिल लेकर के जा रहा था, तो उसे हम साइकिल लेकर के और बहुत हिम्मत किए, और साइकिल मतलब पैर कंट्रोल में नहीं था, खड़ा होते थे चलते थे तो हिलते डुलते रहते थे, मतलब थर थरा तक कांपता रहता था। लेकिन हम साइकिल लेकर के और चलाना शुरू साइकिल लेकर के हम चलाए, और उस दिन जो लोग देखा तो मेरे घर में तो हाहाकार मच गया, हाहाकार मच गया कि साइकिल लेकर के चलाया है, अब अगर टूट गया तो हम इलाज नहीं कराएंगे, अपना बिस्तर पर ही रहेगा, भोगेगा, ये हो गया वो हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा हमको शासन होने लगा। यहाँ तक कि डॉक्टर जो आया फिजियोथेरेपी वाले उसको सब बोला गया, जो हमारा पटना में ऑपरेशन किया था उस डॉक्टर को भी फ़ोन किया गया कि ये साइकिल चला लेता है। लेकिन देखिए भगवान की कृपा, वो डॉक्टर बोला कि साइकिल चलाता है तो चलाने दीजिए, अगर चला रहा है तो उसको हौसला तोड़िए नहीं, उसको चलाने दीजिए, अच्छा है, साइकिलिंग करेगा वेट लगा करके बहुत अच्छा है। फिजियोथेरेपी डॉक्टर ही बोला कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, सामने में साइकिल चलवाए और उसके बाद हम साइकिल चलाने लगे, तो मेरे लिए एक नया साइकिल खरीदा करके आया और मैं वही साइकिल चलाने लगा। तो रिक्स खुद से कुछ ना कुछ रिक्स लेना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा आकर के कर देगा। देखिए जो भी करना है वो आपको ही करना है, दूसरा आपको समझाएगा, ज्ञान देगा, ठीक है, लेकिन आपको वो खड़ा कर दे उठा करके गोदी में बैठा करके या कुछ घोल करके पिला दे कि आप ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो करना है वो आप ही को करना होगा। पैर में बैलेंस नहीं रहता था, थरथराते कांपते हुए रहते थे, फिर भी हम वो चारा कल चला लेते थे, जो चारा काटते हैं गाय के लिए मवेशी के लिए, वो चारा कल खाली कल हम चला लिया करते थे, चारा नहीं लगा रहता था, खाली चल हम जाकर के चला लिए करते थे, और चंपा कल चलाते थे जो पानी वाला कल है। बहुत हद तक ठीक हो गया, हालांकि अभी भी हम एक जगह पर हमको 10 मिनट खड़ा रहना पड़ जाए तो अभी भी हम एक बैग सहित मतलब पूर्ण रूप से खड़ा नहीं रह पाते हैं, अभी भी थोड़ा बहुत हम पैर हमारा कांपता रहता है, उंगली जो है हमारा पैर का वो उंगली स्थिर नहीं रहता है, वो उंगली ऊपर नीचे इधर उधर होते रहता है, पूरा तरह नहीं है, लेकिन फिर हाँ चलते रहते हैं फिर नहीं कांपता है, चलते रहते हैं तो ठीक है, रुक गए तो वहाँ पर फिर थोड़ा देर के बाद कांपने लगता है। ऐसे ही धीरे धीरे रिकवर हो रहा है, और आज 6 साल बीत गया है, हम तो बहुत अच्छा ठीक हो गए हैं, और आगे भी उम्मीद है कि हम बहुत अच्छा और ठीक होते चलेंगे, और कुछ ना कुछ इसका लक्षण तो रहेगा ही, कोई भी बीमारी होता है या कहीं कट जाता है या कुछ हो जाता है तो कुछ ना कुछ तो भले ही इलाज से कितना भी ठीक हो लेकिन कुछ ना कुछ लक्षण दाग रह ही जाता है, तो उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो आप लोगों का प्रश्न था, हमको जहाँ तक जानकारी था, मेरा अनुभव था, उसके अनुसार हम आपको बता दिए हैं। तो दोस्तों इसी तरह प्रश्न करते रहिए, और मैं भी इस पर विचार करूँगा, शोध करूँगा और आपको बताऊँगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, प्रणाम।